नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं ई e विद्या चैनल चैनल नंबर दस और आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी जो है एन सी ई विद्या क्लास नंबर दस आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में जिसमें हम बात करेंगे संस्कृत के दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए और आज हम आपके लिए एक रोचक कहानी लेकर आए हैं आज की हमारे इस कहानी का शीर्षक है जननी तुल्य वत्सल्या ये दो बैलों की कहानी है और क्या कुछ विशेष होता है उनके साथ आपको बताया जाएगा साथ ही आपको संधि प्रयोग के बारे में भी जानकारी दी जाएगी हमारी विशेषज्ञ द्वारा तो चलिए आप सभी का परिचय करवाते हैं उनसे आप हैं सुश्री सरस्वती मिश्रा आप पूर्व अध्यापिका हैं टीजीटी संस्कृत राजकीय सर्वोदय उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय पूर्वी दिल्ली दिल्ली से मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है ठीक नमस्कार और यहाँ पर हम अपने सभी देखने वालों को कहेंगे कि यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो इस पाठ से जुड़ी कोई बात आप कहना चाहते हैं या फिर आप अपना कोई प्रश्न हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे विभिन्न माध्यमों के द्वारा आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है डबल एट डबल ज़ीरो डबल फोर ज़ीरो डबल फाइव नाइन या फिर आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस है डी टी एच डॉट क्लास टेंथ एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन यदि आप हमारे YouTube चैनल पर हैं यानी कि एन सी ई आर टी पी एम ई विद्या क्लास नंबर दस पे हैं तो आप वहाँ पर लाइव चैट बॉक्स में जाके कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं यह सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों के साथ और अपने शंकाओं के साथ आप हमसे हमारे इस लाइव इंटरेक्शन में जुड़ें और उसका उत्तर पाएँ तो चलिए अब हम चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास और सरस्वती मैम हम आपके पास आएँगे जैसे हमने बताया कि हम बात करने वाले हैं दो बैलों की कथा है ये और सुनकर नाम बड़ा ही रोचक लग रहा है जननी तुल्य वत्सल्ला वत्सल्या का इसका शीर्षक है तो क्या कुछ इसमें विशेष है आपके पास हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए ये हम आपसे जानना चाहेंगे जी आ, जैसे कि नाम से जो है जननी तुल्य वत्सला नाम है पाठ का तो नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा कि इसमें क्या बताया जा, जा रहा होगा जननी का अर्थ है माता तुल्य मतलब समान और वत्सला मतलब प्रेम मतलब कि माता का जो प्रेम है अपने बच्चों के लिए समान रहता है एक समान रहता है चाहे एक माँ के चार बच्चे हैं दो बच्चे हैं तीन बच्चे हैं तो बहुत टाइम पे हमें लगता है कि अच्छा जब हम छोटे होते थे तो हम सोचते थे कि अच्छा नहीं नहीं मुझे प्यार ज़्यादा नहीं करती है मदर मतलब? जो है दीदी को करते हैं भैया को करते हैं या छोटे भाई बहन को करते हैं लेकिन आ, माता का जो प्रेम होता है वो सबके लिए समान होता है तो इसमें हम दो बैलों की कथा के माध्यम से जो है इसमें जानने वाले हैं और साथ में हम संधि प्रयोग भी देखने वाले हैं कि पाठ के अंतर्गत कौन कौन से संधि का प्रयोग हुआ है आ, आपको यहाँ पे पिक्चर जो है स्लाइड के अंदर दिख रही होगी दो पिक्चर यहाँ पे दिख रही है जिसमें कि देखिए दो बैल हैं और एक किसान है जो कि क्या कर रहा है खेत को जोत रहे हैं जो दो बैल हैं कथा इस तरीके की है देखिए कि दो बैल हैं खेत को जो है किसान उसे जोतने का काम करवा रहा है और दोनों बैलों में से एक बैल जो है काफ़ी कमज़ोर है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो जोत नहीं पा रहा है खेत को वो चल नहीं पा रहा है बहुत ज़्यादा जो है दुर्बल हो चुका है लेकिन किसान क्या करता है ज़बरदस्ती उससे काम करवाता है ज़बरदस्ती खेत को जुतवाने का काम करता है तो इसमें क्या होता है कि वो बैल जो है जो कमज़ोर हो चुका है वो नहीं कर पाता वो गिर जाता है और वहीं भूमि पर गिर जाता है और बेहोशी जैसी हालत हो जाती है उसकी वो चल नहीं पाता है तो अब ये जब ये चल रहा होता है ये दृश्य जब चल रहा होता है तो एक सुरभी सुरभि जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं तो सुरभि जो हैं बहुत दुखी होती हैं रोने लगती हैं तो ये देख जो इंद्र हैं वो पूछते हैं कि अच्छा आप रो क्यों रही हैं क्या बात है तो फिर वो बोलते हैं कि आ, ये आप देख रहे हैं कि जो दो बैल हैं जो मेरे पुत्र हैं वो क्या कर रहे हैं जो खेत को जोत रहे हैं जिसमें से एक बहुत ज़्यादा दुर्बल है बहुत कमज़ोर है एक जो निर्दयी किसान है उसको बार बार उससे खेत जो है जोतने के लिए कर, कह रहा है उसको डंडे मार रहा है लेकिन वो क्या है सक्षम नहीं है फिर भी वो उसको जबरदस्ती उसे काम करवा रहा है और इस तरीके से क्या होता है कि वो गिर जाता है तो वो जो गिरा हुआ है वो जो दुखी बैल है उसको देखकर मैं बहुत ज्यादा दुखी ऐसा वो बोलती है। जी मैम आपने यहाँ पे का जिक्र किया और ये भी कहा कि वो बहुत ही दारुण परिस्थिति में है बैलों की जी, जी। दुर्दशा देख करके तो सुरभि कौन है यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे ताकि हमारी सभी दर्शक जो खासतौर पे बच्चे हमारे उनको पता चले कि कौन है अच्छा सुरभि जो है माता कही जाती है गाय और बैलों की तो ये सबकी माता होती है कामधेनु जिसे कहते हैं तो ये सबकी माता है तो बैल और गाय सबके जो है माताएं होती हैं तो सुरभि वही जो है बैल उनके पुत्र हैं तो अपने पुत्रों को दुखी देखकर वो जो सुरभी है जो माता है बहुत दुखी हो जाती हैं और इंद्र फिर उनसे पूछते हैं कि तुम ऐसे दुखी क्यों हो रही हो तो फिर सुरभी कहती है कि मैं इसकी वजह से दुखी हूं क्योंकि मेरा पुत्र दुखी है तो फिर इंद्र कहते हैं कि अच्छा अगर आपके तो बहुत हजारों जो है ना हज़ारों आपके बच्चे हैं तो अभी अचानक आप इस बैल को देख के आ, कितने ज़्यादा दुखी क्यों हो रहे हैं क्योंकि ऐसे तो हजारों जो है दुखी होंगे संसार में हज़ारों खुश होंगे तो आप इसी बैल को देख के इतने दुखी क्यों हो रहे हैं तो फिर वो कहती हैं कि आ, जो है माता का जो प्रेम वैसे तो सबके लिए समान रहता है सारे बच्चों के लिए समान रहता है लेकिन जो दुर्बल है जो कमज़ोर है जो दुख में है उसके लिए माता का प्रेम बहुत विशेष हो जाता है उस समय पर उसके लिए जो माता बहुत ज़्यादा चिंता करने लगती है तो यहाँ भी जो और सारे जो पुत्र हैं वो सुखी हैं लेकिन ये जो पुत्र है मेरा जो बहुत कमज़ोर है जो चल नहीं पा रहा है इसके लिए मैं दुखी हो रही हूँ और ये देख जो इंद्र हैं उनका भी मन जो है जो देखते हैं कि अच्छा हाँ बैल के साथ वाकई ऐसा किया जा रहा है जो कि निर्दयी किसान कर रहा है जो कि नहीं करना चाहिए तो ऐसा देख वो क्या करते हैं इंद्र वर्षा कर देते हैं बहुत ज़्यादा और बैल जो है जो नहीं चाहता था कि अच्छा मैं इनको आराम करवाऊँ बैलों को वो भी मजबूरी में क्या करता है दोनों बैलों को ले जाता है और उनको जहां उनका जगह उनको छोड़ देता है और इस तरीके से क्या होता है कि बैल जो है आ, उस आ, जो कष्ट में रहते हैं उससे बच जाते हैं तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सुरभि है उन्होंने बैलों को राहत दे दिलवा दी जी, 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 जी. जी राहत उन्होंने दिलवा दी हुँ. और इस तरीके से हम देख सकते हैं कथा के माध्यम से इस कहानी के माध्यम से आ, कि माता के जो प्रेम है वो सभी बच्चों के लिए समान है और जब कोई भी बच्चा बहुत मुसीबत में है तो उस समय पर जैसे बीमार कोई बच्चा जब हो जाता है जैसे घर में अगर दो भाई बहन है और वो अगर उसमें से कोई बीमार हो गया तो एक बच्चा बच्चे के लिए जो माता है बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देने लगती है बहुत ज़्यादा जो है उस पर उसको केयर करना शुरू कर देती है तो ये जो बच्चे सोचते हैं कि अच्छा नहीं मदर जो है दीदी को बहुत प्यार करते हैं या भैया को बहुत प्यार करते हैं मुझे नहीं करते बहुत समय पर आपके दिमाग में भी एक ख्याल आता होगा छोटे बच्चों के दिमाग में ख्याल जनरली आता है तो ऐसा नहीं आना चाहिए मदर का जो प्रेम है सबके लिए समान रहता है तो ये कथा जो है यहीं पे ख़त्म होती है और ये जो कथा है ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है जी मैम यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कथा रही छोटी सी रही लेकिन इसका जो संदेश है वो बहुत ही गूढ़ है यहाँ पर हम आपसे चाहेंगे कि आप वो संदेश हमारे सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाएं हाँ तो ये जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो माता का प्रेम जैसे दिखाया गया है दो बैलों की कथा के माध्यम से कि माता का प्रेम सभी बच्चों के लिए समान है और लेकिन जो बच्चा अगर बहुत ज़्यादा अलग कंडीशन में है बहुत ज़्यादा दुखी है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उस समय पर माता का या पिता का जैसा माता का प्रेम होता है वैसे पिता का प्रेम होता है दोनों का जो प्रेम है उस समय उसमें विशेष हो जाता है उस समय पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं बाकी और सारे बच्चों को छोड़कर क्योंकि उनको लगता है कि वो तो सुखी हैं वो तो अभी ठीक है उनको मैं बाद में भी देख सकती हूँ लेकिन जो बच्चा अभी बीमार है जो अभी कष्ट में है उसके कष्ट को मैं दूर कर सकूँ तो ये तो बात हुई संदेश की सर मैम अब हम आपसे जानना चाहेंगे संधि के बारे में कि संधि किसे कहते हैं और इसका प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है या बच्चे हमारे किस प्रकार इसका प्रयोग करें वो हम आपसे जानना चाहेंगे जी संधि देखिए संधि का मतलब ही है मेल मेल जोड़ तो किन लोगों का जोड़ कोई दो लोग भी हो सकते हैं संधि जैसे कहते हैं संधि हो गई मतलब दो लोग लो मिल गए मिलना आपस में तो यहाँ पे हम जो भी आपके आपने देखा होगा यहाँ पे ये जो आया है आपका ये कुछ जो है यहाँ पे शब्द आपके हाईलाइटेड हो रहे हैं ये जो शब्द आप देख रहे हैं तो ये शब्द जो है इनमें संधि का प्रयोग है तो हम संधि का प्रयोग कैसे हुआ है क्या संधि क्या होती है कौन कौन से प्रकार हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये दो शब्दों का मेल है दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया गया है हाँ, हाँ नहीं शब्द नहीं संधि जब भी होगी दो वर्णों के बीच में होगी तो दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है देखिए यहाँ परिभाषा हम देख लेते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है ना जो उसमें परिवर्तन जो विकार जो एक नया पंसा आ जाता है उसे कहा जाता है संधि ये जनरली जो है देखा जाता है कि विद्याधन आलय है कहीं तो विद्यालय बन जाता है तो ये कौन से नियम से बनता है ये कौन सी संधि होती है तो इसके बारे में हम इसमें आगे देखने वाले हैं अब संधि की परिभाषा आपने जान ली संधि के भेद भी होते हैं देखिए कौन कौन से भेद हैं स्वर संधि जिसे अच संधि भी कहा जाता है व्यंजन संधि जिसे हल संधि भी बोला जाता है और विसर्ग संधि ये तीन प्रकार की जो संधि है हमारे जो है संस्कृत के अंदर अंतर्गत प्रयोग में आता है इसमें हम देख लेते हैं पहला है दीर्घ संधि ये स्वर संधि का उदाहरण है अब दीर्घ संधि में क्या होता है देखिए अ ई उ री के बाद कोई सवर्ण या सवर्ण अर्थात समान वर्ण ठीक है समान वर्ण या अक्षर हो तो दोनों के स्थान पर वर्ण का दीर्घ अक्षर हो जाता है या आ जाता है दीर्घ का अर्थ देखिए आप यहाँ दिख रहा होगा कि दीर्घ मतलब होता है बड़ा है ना एक बोलते हैं हरस्व ऊ हरस्व ई ऐसे बोला जाता है ई उ ऐसे उ, उ, बोलते हैं तो सामान्य भाषा हम लोग कहते हैं कि छोटा ऊ है बड़ा ऊ है ऐसा लेकिन आ, जो इसमें हम पढ़ते हैं उसमें कहते हैं दीर्घ संधि है या दीर्घ जो है वर्ण है तो यहाँ पे दीर्घ का मतलब है बड़ा अब देखिए अ धन आ अगर आए ठीक है अ प्लस आ आए तो आ बन जाएगा ऐसे ही आ प्लस आ, आ आए अगर तो आ बनेगा इसी तरीके से ई में भी आप देख सकते हैं कि ई प्लस ई अगर आ रहा है तो दीर्घ ई बनता है छोटी ई प्लस बड़ी ई वही बड़ी ई बनेगी दीर्घ ई बन जाएगी है ना हरस्व ई और दीर्घ ई मिलकर भी दीर्घ ई बनता है ये सारा आप देख सकते हैं आगे ऊ के साथ भी है ऐसा ही कि हृस्व उ अगर दोनों हृस्व व है दोनों तरफ पे तो आपका जो है दीर्घ ऊ बनेगा ऐसी री में आप देख लीजिए री जो है हरस्व है दूसरा री भी हरस्व है तो मिलकर क्या बना ये दीर्घ री बन गया अब यहाँ पे उदाहरण जो आपके जो अभी पाठ के अंदर आए थे वो देख लीजिए जैसे तथा प्लस अपी है तो तथा में जो था है था में जो अ की मात्रा है आप देख रहे होंगे तथा में आ की मात्रा है यहाँ पे देखिए तथा है यहाँ पर जी है ना तथा है प्लस अपी है मैम आप थोड़ा बड़ा लिखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे सभी बच्चों को दिखाई जी जी बिल्कुल बिल्कुल तथा है अपी है ये है अब मैंने जैसे कि बताया आपको कि दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है तो इसमें वर्ण किसको लेंगे हम इसको लेंगे और इसको लेंगे अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि थ को हम जब अलग करेंगे तो इसमें आ जुड़ा हुआ है है ना और इसका जो है अ हम ले रहे हैं तो अब हम जो कर रहे हैं संधि जो होगी इन दोनों के बीच में होगी और यहां पे आप नियम देख सकते हैं स्लाइड में स्लाइड में आपने देखा होगा कि आ प्लस अ मिलकर क्या बनता है आ बनता है है ना तो इन दोनों को मिलकर क्या बन जाएगा आपका ये आ बनेगा और यहां पे बन जाएगा आपका ये था और ये था पी ये आपका बन जाएगा तथा पी इस तरीके से आपका बन गया तथा ऐसे ही और चीजों में हम देखेंगे यहाँ पे आपने देखा होगा जो रेड में है जो रेड में जो वर्ण जो है आ, आ, लिखा हुआ है तथा अपी हो, हो गया वैसे ही देखिए सुर धन अधिप उसमें रा प्लस अ है इन दोनों की संधि हो रही है र का जो अ है और आ, जो दूसरी साइड है वहाँ भी अ है उन दोनों को मिलकर क्या बन गया आ बन गया तो ये बन गया सूराधिपह ऐसी देखिए त्रिदश धन अधिप इसमें भी क्या बन रहा है आपका श का अ रहेगा और दूसरी साइड का अ मिलगा मिलेगा जब तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा आ तो क्या बन जाएगा आपका त्रिदशाधिप सहस्र में देख लीजिए सहस्र में भी अ को अलग कर देंगे तो अ धन अ जैसे कि आप देख रहे हैं जो नियम मैंने बताया क्या बन जाएगा आ बनेगा दोनों को, को मिलके और क्या बन जाएगा शब्द आपका सहस्राधिकेशु आगे देखिए विस्मित में भी है ठीक है आखंडलस्य में भी आ आ रहा है इन सब का मिलके क्या बन रहा है वही दीर्घ आ जिसे आ बोला जाता है मतलब छोटा अ और बड़ा अ हर अ और दीर्घ आ, आ मिलके क्या बन जाएगा आ बनेगा ऐसे देखिए संति में भी है संती में त में जो है ई की मात्रा है छोटी ई की और उसके बाद जो है उसमें भी छोटी ई की मात्रा है दोनों ई मिलके क्या बनेंगे दीर्घ ई बन जाएगा तो ये आपका जो है दीर्घ ई आपका कंप्लीट हुआ और दीर्घ ई में दीर्घ का मतलब ये है कि बड़ा दोनों छोटे छोटा हो बड़ा हो ठीक है दोनों वर्ण छोटे छोटे हों दो कोई छोटा वर्ण हो पहले या बड़ा वर्ण हो पहले तो दोनों को मिलाकर दीर्घ ही बनेगा आपका अब आगे चलते हैं हम गुण संधि की तरफ गुणसंधि के कुछ इस प्रकार से जो है नियम हैं अ या आ के बाद ई छोटी ई यानी ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो तो दोनों के स्थान पर ए होता है फिर एक और आ, साथ में एक और नियम है देखिए अ या आ के बाद ह्रस्व उ दीर्घ उ हो तो दोनों के स्थान पर ओ होता है अ या आ के बाद री या री हो तो दोनों के स्थान पर अ होता है और इसी प्रकार से ल के साथ भी होता है कि अ या आ के बाद ल हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा अल हो जाएगा अब देखिए पे कुछ है। ना धन उत्थिता। अब न का क्या है यहां अ लेंगे हम लोग और उत्थित क्या क्या लेंगे हम लोग ऊ लेंगे तो अ प्लस ऊ मिलके क्या बनेगा आप नियम अंतर के अंतर्गत देख लीजिए अ प्लस ऊ मिलके बनता है ओ इसी प्रकार से देखिए जल प्लस उप प्लव है तो यहाँ पे जल का क्या लेंगे हम लोग ल का अ लेंगे और यहाँ से ऊ लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका ओ बनेगा इसी प्रकार से देखिए रमा प्लस ईशा है तो रमा का जो म है म का हम आ लेंगे और दूसरी साइड में ई लेंगे तो आ प्लस ई मिलके क्या बन जाएगा आपका ए बनेगा देवर्षि में भी देखिए देव प्लस ऋषि है तो व का हम क्या लेंगे अ लेंगे और ऋषि का हम लोग लेंगे री तो ऋषि का बन जाएगा अ प्लस री आ, मिलके बनता है अर अच्छा यहाँ पे ए आ गया है ये अर बनेगा यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं यण संधि को देखिए यण संधि में क्या होता है हरस्व ई हो या दीर्घ ई हो दोनों को क्या बन जाएगा य बनेगा हरस्व उ हो और या दीर्घ ऊ हो तो दोनों को मिलके व बनेगा इसी प्रकार ह्रस्व री हो या दीर्घ री हो तो दोनों को मिलके र बन जाएगा और अगर ह्रस्व री है और लेकिन सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो हमें ये इसका एग्जाम्पल मिलता नहीं है री और दीर्घ री या ह्रस्व री का तो दोनों को मिलकर क्या बनता है यहाँ पे ल हो जाता है अगर बाद में कोई स्वर होगा तो ठीक है बाद में कोई भी स्वर हो समान स्वर नहीं होना चाहिए अगर समान स्वर रहा जैसे अ आ दीर्घ संधि में हमने बोला था तो वहाँ पे नहीं होगा कोई समान स्वर नहीं हो अगर अ है इधर तो दूसरी साइड कुछ और होना चाहिए अब देख लीजिए प्रतिधन अवोचत है यहाँ पर ठीक है तो क्या आ जाएगा प्रति का हम ती लेंगे हम लोग त तो में जो ई की मात्रा है उसको ले लेंगे और अवोचत का क्या लेंगे हम लोग अ लेंगे तो यहाँ ई को क्या बनेगा क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है हमारा भिन्न स्वर है यहाँ पे इधर ई है ई की मात्रा है सॉरी ई है यहाँ की साइड त तो में ई की मात्रा जुड़ी हुई है और दूसरी साइड क्या है अ है तो ई को क्या बन जाएगा नियम में हम लोगों ने क्या देखा था य बनेगा तो क्या यहाँ पे देखिए आपका आ, ये जो है रेड कलर से यहाँ पे मार्क किया हुआ है रेड कलर से लिखा हुआ है कि प्रत्यवोचत बनेगा ठीक है आगे देखिए पुत्रस्य धन अभी प्लस अधिका तो इसमें भी देखिए भी है और दूसरी साइड में अ है तो भ का हम लोग क्या लेंगे ई लेंगे और अ जो है ई ई के बाद फिर अ आ रहे तो क्या बनेगा फिर से य बनेगा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ई प्लस अ को क्या बनेगा ई हो जाए ई को क्या बन जाएगा य हो जाएगा उसके बाद देखिए बहूनी अपत्यानी में भी सेम है ई को यहाँ पे य बन रहा है तथापि में देखिए हम है यहाँ पर तो तथा प्लस अपी प्लस अहम है यहाँ पर तो देखिए प का हम लोग ई लेंगे और अहम का हम लोग अ लेंगे तो दोनों की जगह क्या आ जाएगा यह आ जाएगा सर्वे शू में भी देखिए शू में जो है शू में जो है ऊ की मात्रा है और और जो है उसके बाद है तो इसमें क्या हो जाएगा व हो जाएगा इसी प्रकार से हम देखते हैं ये हमारा स्वर संधि कंप्लीट हुआ जी उसके बाद जी तो स्वर संधि हमारा कंप्लीट हुआ उसके बाद हम करते हैं हल संधि हल का अर्थ होता है व्यंजन ठीक है जहाँ पे स्वर और व्यंजन का बेसिकली जो है वहाँ पे संधि हो तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं जसु संधि है यहाँ पर उत भारम प्लस उत प्लस वहती है तो यहाँ पे देखिए त का क्या बना है तृतीय वर्ण जस्वु संधि मतलब होता है उसका तृतीय वर्ण हो जाता है जैसे त का जो हो गया त का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा त थ द तो यहाँ पे द आ गया भारम उद वहति अचिरात अचिरात धन एव में देखिए फिर से इसका क्या आ जाएगा तकार जो, है, जो होता है जो तवर्ग होता है त्वर्ग में क्या आएगा त थ द ध तो तीसरा वर्ण कौन सा आ रहा है आपका द आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अचिरा देव ऐसे ही आप आगे देखिए पंचम वर्ण का द्वित्य होने का जो ये नियम दिया हुआ है कि अस्मिन प्लस एव है यहाँ पर तो यहाँ पे क्योंकि पंचम वर्ण का द्वित्य हो रहा है तो पंचम वर्ण यहाँ पे क्या है अस्मिन में न है तो इसका द्वितीय हो जाएगा तो डबल न आ जाएगा यहाँ पे अस्मिन नेव ऐसी देखिए जानन नपी है तो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा जानन क्योंकि न है यहाँ पर तो इसका ये ये भी पंचम वर्ण है तथा तथा दधन न तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इसका द्वित्व यानी दो बार इसको दोहराया जाएगा तो इसका हो जाएगा जानन नपी कुरवन नासीत में भी सेम है तो कुरवन प्लस आसीत तो यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका द्वित्व हो रहा है ये हमारी जो है हल संधि हो गई अब आते हैं विसर्ग संधि में देखिए कुछ नियम है यहाँ पर विसर्ग के, के बाद खर खर का अर्थ क्या है देखिए वर्ग के एक दो वर्ग के कैसे जैसे कि कवर्ग हैं तो कवर्ग का क्या हो जाएगा पहला और दूसरा वर्ण क ख चवर का पहला क्या हो जाएगा च छ टवर का ट और तवर का त थ, थ पवर का क्या हो जाएगा प फ तो ऐसे ही जो पहला और दूसरा वर्ण हो साथ में श, 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 श और स तीन प्रकार के अगर ये स हों तो विसर्ग को स हो जाता है अब देखिए यहाँ पे कुछ हम नीचे देख लेते हैं जो एग्जाम्पल आपके पाठ के अंदर आए थे कह धन चित तो क्या बन गया यहाँ पर देखिए विसर्ग के बाद क्या आ रहा है ये चवर्ग का जो है पहला वर्ण है तो यहाँ पे विसर्ग को क्या हो जाएगा स में परिवर्तित हो जाएगा है ना तो ये वो बन गया कश्चित मेघ रवई प्लस च तो फिर से आपका क्या आ गया फिर से विसर्ग को स हो जाएगा मेघरव्य पुनः अपि पुनरअपि सूर्भे प्लस इमाम अवस्थाम तो यहाँ भी आप देखेंगे ये कुछ अलग नियम हैं विसर्ग के जहाँ पे आ, देख लीजिए क्या है यहाँ पर विसर्ग के बाद अभिन्न स्वर रहे तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है यहाँ पे आप देख लीजिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया र हो गया उसके बाद है यत प्लस ही यत प्लस ही में देखिए यहाँ भी क्या बन गया यतो ही बन गया अब यहाँ नियम देख लीजिए विसर्ग के बाद अभिन्न स्वर वर्ण अथवा अंतस्थ अंतस्थ होता है यहाँ पर य लव वर्ण अथवा वर्ग के तीन चार पांच वर्ण ठीक है तीन चार पांच वर्ण कैसे जैसे क ख ग वर्ग में ग है ठीक है घ हो गया वैसे ही च वर्ग में देख लीजिए आपका च छ ज ज हो गया और इसके अलावा देख लीजिए ह वर्ण रहे तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है और पूर्ववर्ती अवर्ण के साथ गुण संधि होकर ओ हो जाता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे यत से यतो ये बन गया ठीक है ये हमारा बन गया विसर्ग संधि जी जी तो ये तो बात हुई संधि की और किस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर आपको हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया मैम अभी भी हमारे पास तकरीबन पाँच मिनट का समय अवशेष है और क्या बातें हैं जो संधि के बारे में आप हमारे सभी विद्यार्थियों को बता सकती है जो उन्हें ध्यान में रखना है जब वो उसे इस्तेमाल करें और प्रयोग करें मैम जी 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 संधि देखिए एक तो संधि का प्रयोग करते समय आपको क्लियर होना चाहिए कि वो आ, जो है संधि उसकी जो आ, पहले हम उसको, उसको क्या करेंगे वर्ण विच्छेद कर देंगे ठीक है ना संधि का विच्छेद कर देंगे जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक मैं दिखा देती हूँ हाँ जैसे कि जो है यहाँ पे मैं दिया के दिखाया था आपको जैसे तथा प्लस अपी है तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे अलग अलग कर लेंगे तो ये आ जाएगा त आधा त प्लस अ फिर है आधा थ फिर उसमें आ की मात्रा तो जब ये आप करेंगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि था में जो है ना कौन सी मात्रा लगी है और इससे आप पहचान पाएंगे कि यहाँ फिर में मुझे कौन सी संधि करनी है जैसे थ में आ की मात्रा मिली है और यहाँ पे भी अ है तो दोनों यहाँ पे सवर्ण वर्ण दिख रहे हैं मतलब कि एक ही समान यहाँ भी अ आ है यहाँ भी अ है यहाँ भी कहीं ई है यहाँ भी ई है तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये यह यहाँ पे पहचानना आपको आना चाहिए कहाँ पे कौन सा वर्ण है और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे जब आप इसका संधि विच्छेद कर लेंगे तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप पहले उसको संधि विच्छेद वर्णों का ना विच्छेद कर लें अलग अलग कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नियम हम यहाँ पर लगा सकते हैं तो यहाँ पे तथापि का जैसे लगा या सुर में जो है अ था यहाँ पे अ मिला ठीक है ना सुर का जो अ है और अधिपक का जो अ है इन दोनों मिलकर आ बना यहाँ पे और भी जगह ई की जैसे हमने मैंने एग्जाम्पल दिया था ई का संति में जैसे है इसमें ई की मात्रा है छोटी ई की और यहाँ भी छोटी ई की मात्रा है तो हम अगर हम अलग अलग कर देंगे इस तरीके से तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सी संधि हो रही है यहाँ पे कौन सा नियम लग सकता है कि क्योंकि बहुत बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अच्छा ये दीर्घ यहाँ पर हो रहा है संधि या गुण संधि हो रहा है कौन सी संधि हो रही है इस प्रकार से वो समझ नहीं पाते हैं तो अगर आप ब्रेक कर लेंगे Uh, सारे वर्डों को अलग अलग कर लेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो पाएगा जी, तो तो ये तो बात हुई संधि 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 विच्छेद की की और प्रयोग की। करना आपको बताया बच्चों की कि कितने प्रकार की संधि होती है किस किस तरह से आप संधि का प्रयोग कर सकते हैं मैम अगर हम वापस अपनी कथा पर आएं कहानी पर आएं जो हमने जिससे हमने इस आ, सत्र की शुरुआत की थी यदि हम उस कहानी के बारे में बात करें तो उस कहानी को हम अगर, अगर अपने विद्यार्थियों की बात करें तो और कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनसे हम और अच्छे तरीके से उन्हें अपनी कक्षा में बता सकते हैं पढ़ा सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे चरित्र हैं तो इसका एक नाटक या कुछ ऐसे भी क्लास में इसको किया जा सकता है हाँ बिल्कुल इसको क्लास में आप जो है प्ले कर सकते हैं इसको जो है टीचर जो है अपने अनुसार करवा सकती हैं और अपने अनुसार जो है और हाँ एक चीज़ और कि आप इसको संस्कृत में करवाएँ जैसे संवाद शैली होती है जैसे कि एक बैल जो है कैसा दिख रहा है एक बैल कमज़ोर दिख रहा है एक बैल जो है बहुत मजबूत दिख रहा है एक कोई किसान है वो निर्दयी है तो जो जो टीचर हैं इसको अपने जो अपनी भाषा में लिख के उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करके ये जो है अपनी क्लास में जो है करवा सकते हैं जिससे कि बच्चों को जो कहानी है और अच्छे से समझ में आ सकती है जी, जी। तो ये वो तरीका है जिसके माध्यम से आप इस कहानी को और अच्छे तरीके से अपनी कक्षा में प्रेजेंट कर सकते हैं और अभी समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है कि हम इस सत्र को आगे बढ़ाएं इसे हमें यहीं पर समाप्त करना होगा लेकिन जाने से पहले सरस्वती मैम हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद कि आप स्टूडियो आए आपने हमें ये इतने अच्छी रोचक कहानी बताई और उसके साथ ही आपने संधि के बारे में भी बातें साझा की और बच्चों आप सभी को पता चला कि संधि क्या होती है और किस तरह से आप उसे प्रयोग कर सकते हैं तो छोटी छोटी गतिविधियाँ हैं आप ये व्याकरण का प्रयोग जरूर करें प्रैक्टिस करते रहें और फिर देखें कि आप उसे कितने अच्छे तरीके से और अच्छे प्रकार से आप उसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं और यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे हम ब्रेक के बाद अपने को लाइव इंट्रेक्शन के साथ हाजिर होंगे जो कि साइंस के टेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिसिटी तो आप उस सत्र में हमारे साथ जरूर बने रहें और जाते जाते हम आपको बता दें आप सभी को पता है कि लोकतंत्र का महापर्व चुनाव शुरू हो चुका है आप इस महापर्व का हिस्सा बन सकते हैं मतदान के द्वारा जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जो 18 वर्ष या उससे ऊपर के हैं आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें आप जरूर वोट करें आपका वोट बहुत कीमती है इसका इस्तेमाल करें ना केवल आप स्वयं जाएं बल्कि अपने सभी प्रियजनों को भी आप प्रोत्साहित जरूर करें वोट करने के लिए अभी फिलहाल मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से अनुमति नमस्कार